गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। लेट लतीफ़ी से सैकड़ों अभ्यर्थी रहेंगे फॉर्म भरने से वंचित, सोजत सिटीज। राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग की लेट लतीफ़ी, सैकड़ों अभ्यर्थी रहेंगे फॉर्म भरने से वंचित। जहाँ एक और कोरोना महामारी के चलते हाल ही में राजस्थान सरकार ने 2000 डॉक्टर्स को नियुक्ति के आदेश दिए हैं, इसके बाद तुरंत ही राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से फॉर्म भरने के लिए कहा गया है, जिसके अनुसार अभ्यर्थी को 30 जून तक राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, जिसे अब 3 दिन बढ़ाकर 3 जुलाई कर दिया गया है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल कक्षा 9 प्रवेश प्रक्रिया शुरू। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल ब्लॉक देसूरी पाली के कक्षा 9 के छात्र छात्राओं प्रवेश पर संबंधी प्रक्रिया आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 1 जुलाई से 6 जुलाई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। पंचायत सहायकों ने सौंपा ज्ञापन, पाटो दी। संविदा पर लगे कर्मचारियों को बर्खास्त करने पर रोक। चिकित्सा विभाग के तहत अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली व सीकर आदि इलाकों में PHCL, CHC में संविदा पर लगे कर्मचारियों का मामला, जोधपुर। शिक्षक को मूल पदस्थापन पद पर भेजा, आदेशों की अवहेलना। शिक्षा विभाग के अधिकारी जो आदेश करते बिना है बाकी कर्मचारी उन आदेशों की पालना में भी मनमर्जी चलाते हैं। भले ही कुछ स्तर पर अधिकारियों की ओर से कोरोना महामारी के चलते स्वच्छता लगाए गए कार्मिकों को आदरणीय आदेश तक नहीं हटाने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन संस्था प्रधान इन आदेशों की अवहेलना करते हुए मनमर्जी से कार्मिकों को कार्यमुक्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में प्रोविजनल प्रमोट के आवेदन अब 15 तक होंगे, जोधपुर। कोविड की वैक्सीन कोवैक्सीन 15 अगस्त तक होगी लॉन्च, नई दिल्ली। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की अच्छी खबर है कि कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूरी तरह से देश में ही बनी कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन को 15 अगस्त पर लॉन्च किया जा सकता है। हैदराबाद आधारित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक वैक्सीन का मानव परीक्षण जुलाई में शुरू करने जा रही है। ICMR की ओर से जारी लेटर के मुताबिक आने वाले 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ युवा राजाखेड़ा, उपखंड अधिकारी से की उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने की मांग, धौलपुर। राजस्थान शिक्षक संघ युवा राजाखेड़ा ने ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी देने वाले BLO शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों को उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने हेतु ब्लॉक अध्यक्ष राजाखेड़ा श्यामवीर शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों का शारीरिक और मानसिक संपर्क बहुत जरूरी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजीव स्वरूप ने संभाला मुख्य सचिव का पदभार, जयपुर। कोविड-19 जागरूकता अभियान में शिक्षकों की रहेगी महत्वपूर्ण भूमिका, भरतपुर। चिकित्सा अधिकारी भर्ती में शामिल करने के आदेश, जयपुर। हाईकोर्ट ने चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2020 में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश देते हुए प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव, राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग स्वास्थ्य निदेशक और भर्ती बोर्ड समन्वयक सहित RUHS को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पुराने होमगार्डों को रोजगार नहीं तो नई भर्ती क्यों, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने SCM होमगार्ड, DG और IG होमगार्ड से पूछा है कि अब सभी जब पुराने होमगार्ड को नियमित रोजगार नहीं दिया जा रहा है तो 2500 पदों पर नई भर्ती क्यों कराई जा रही है। सभी मेडिकल कॉलेजों में OBC आरक्षण सुनिश्चित करें, सोनिया गांधी, नई दिल्ली। IPVT के आवेदन विलंब शुल्क के साथ 6 जुलाई तक किया जा सकेगा, जयपुर। वेटरनरी विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट में शामिल होने के लिए अब वंचित स्टूडेंट्स विलंब शुल्क में आवेदन कर सकेंगे। विद्यालय में नहीं हो रही शिक्षकों की 100% उपस्थिति, बिजोलिया। स्थायीकरण की घोषणा के बावजूद करना पड़ रहा है इंतजार, औषधीय पौधों की देखरेख, जोधपुर। 9 जुलाई तक करवा सकेंगे परीक्षा परिणाम अनुमोदन, समान परीक्षा व्यवस्था समिति की बैठक संपन्न। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत गठित समान परीक्षा व्यवस्था समिति की बैठक शुक्रवार को टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ फोर्ट में आयोजित की गई। PPF सुकन्या जैसी छोटी बचत योजना पर नहीं घटी ब्याज दर, जाने कितना बढ़ेगा आपका रुपया। ये 2016 में शुरू हुई थी तिमाही व्यवस्था, लघु बचत योजना की ब्याज दरों में बदलाव की तिमाही प्रक्रिया 2016 से शुरू की गई है। स्कूलों का शैक्षणिक कैलेंडर जारी, कंप्यूटर नहीं फोन पर होंगे सवाल जवाब, श्रीगंगानगर। प्राथमिक स्तर के छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का बयान, 8 हफ्ते का वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर जारी किया गया है। इस कैलेंडर को बनाते समय नई तकनीकों और सोशल मीडिया को तरजीह दी गई है, जिससे कि बच्चे घर पर ही तकनीकों के प्रयोग से आनंदपूर्वक और रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षा ग्रहण कर अपनी पढ़ाई जारी रख सके।
अगली खबर है, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न हो एग्जाम स्थगित करने की मांग की। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शरीर पर नो एग्जाम इन कोविड 19 लिखकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। छात्र नेता महेंद्र ढाका ने बताया कि वर्तमान समय में 10वीं-12वीं की परीक्षाएं चल रही है, उनमें भी कई विद्यार्थी पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में इन परिस्थितियों में एग्जाम करवाना छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। चयनित कृषि पर्यवेक्षकों को नियुक्ति देकर टिड्डी दल के हमलों पर प्रभावी नियंत्रण कायम करे सरकार, छाबा। एमडीएसयू के छात्र संघ अध्यक्ष रामेश्वर छाबा ने सीएम को लिखा पत्र। नागौर जिले सहित संपूर्ण देश में बीते वर्ष से ही लगातार टिड्डियों के हमले हो रहे हैं। टिड्डियों के हमले से प्रदेश भर के किसान चिंतित हैं। इसी संदर्भ में एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर के अध्यक्ष रामेश्वर छाबा ने सूबे के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टिड्डियों पर नियंत्रण पाने के लिए इनके दलों के पड़ाव की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु वर्ष 2018 में चयनित कृषि पर्यवेक्षकों को नियुक्ति देने की मांग उठाई है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए जारी किया एनसीईआरटी वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर। जयपुर जेई मेन परीक्षा की स्थिति जल्द होगी स्पष्ट। एचआरडी मंत्रालय ने नीट और जेई परीक्षा को लेकर बनाई समिति। जयपुर परीक्षा के टालने के आसार बढ़े। महाराष्ट्र, नागालैंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ गया है। इन तमाम राज्यों के स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई मेन और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को टालने की मांग को और तेज़ कर दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी 1 जुलाई से लागू होने वाले अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक 31 जुलाई तक मेट्रो तक बंद रहेगी और कंटेनमेंट जोन में सख्ती और बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर कोई छात्र कंटेनमेंट जोन में रहता है तो वह परीक्षा केंद्र तक कैसे पहुँचेगा। उच्च शिक्षा में 25 सालों से नहीं हुई है पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती। कॉलेज शिक्षा में पुस्तकालय अध्यक्ष के 271 में से 237 पद है खाली। सांभर लेख, सरकार ने पिछले 25 सालों में कॉलेज लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती नहीं की है। हाल ही में लाइब्रेरियन के 271 पदों में से 237 पद खाली पड़े हैं। जो कार्यरत है वह भी धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे, इसलिए अगर जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो कॉलेज शिक्षा में एक भी लाइब्रेरियन नहीं रहेगा। प्रदेश के आरटीई प्रवेश की गाइडलाइन जारी, 9 जुलाई से हो सकेंगे ऑनलाइन प्रवेश। जयपुर नर्सेज भर्ती की पदस्थापन सूची में चयनितों को नियुक्ति देने की मांग। राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति ने कलेक्टर के मार्फत चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। 29 अप्रैल से परिवीक्षा काल मारने के आदेश जारी कराने की मांग। बीकानेर फैसला, नीट और जेई परीक्षा सितंबर में होगी नई तारीख। जेई मेन परीक्षा अब 1 से 6 सितंबर के बीच होगी। नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। CISCE ने 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में की 25% की कटौती। 3 जुलाई पूर्णबंदी के कारण स्कूलों के बंद रहने के दौरान पढ़ाई में आई बाधा के मद्देनजर काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 2021 में होने वाली कक्षा 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम को 25% तक घटाने की घोषणा शुक्रवार को की। और यह आज का सुविचार है, कोई सराहना करे या निंदा, लाभ हमारा ही है। कारण प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। तो इसी सुविचार के साथ हम आज की ये खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं। कल मैं फिर मिलूंगी आपसे अन्य खबरों के साथ। तब तक मैं नीलम आपसे विदा लेती हूँ इस वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।